स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल जारेड़ा ऑनलाइन क्लासेस में। बच्चों, मैं आप सभी को यहाँ बताना चाहूँगी कि हमारी जो वर्कशीट्स है वो हमारे चैनल जारेड़ा ऑनलाइन क्लासेस पे अपलोड की जाती हैं। तो बच्चों, साथ ही साथ मैं आप सभी को बता दूँ कि हमारे जो इंग्लिश मीडियम की वर्कशीट्स हमारे चैनल जारेड़ा ऑनलाइन क्लासेस पे भी अपलोड की जाती हैं, ये आप सभी को पता है। लेकिन अब से बच्चों देखिए, हमारे चैनल रेणुका क्लासेस पे भी हमारी इंग्लिश की वीडियोस अपलोड की जाएंगी इंग्लिश मीडियम की। तो बच्चों, आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप सभी मेरे यूट्यूब चैनल रेणुका क्लासेस को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को देखें और इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। विषय पर्यावरण अध्ययन की मैं यहाँ बात कर रही हूँ। बच्चों, कार्यपत्र है हमारा फोर्थ, कक्षा दूसरी की मैं यहाँ बात कर रही हूँ। उपविषय है हमारा परिवार। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इनमें से दादा दादी किन्हें कहेंगे? दादा दादी किन्हें कहते हैं बच्चों? पिता के माता पिता को हम दादा दादी कहते हैं। इनमें से नाना नानी किन्हें कहेंगे? तो बच्चों, आप सभी को पता है माता के माता पिता को हम नाना नानी बोलते हैं। हमारे चाचा और चाची के बच्चों को हम क्या बोलेंगे? चचेरे भाई बहन। पिता के भाई को हम क्या बोलते हैं? चाचा। पिता की बहन को हम क्या बोलते हैं? भुआ। आपके पिता के माता पिता को क्या बोलते हैं? दादा दादी। आपके चाचा की पत्नी आपकी क्या है? चाची। भाई या बहन को हम क्या बोलेंगे? सहोदर। सहोदर भी कहा जाता है भाई और बहन को। अगला देखिए बच्चों, अगला प्रश्न है, सही या गलत कथन का चयन कीजिए। परिवार एक स्कूल की तरह होता है? सही। संयुक्त परिवार एक छोटा परिवार होता है? गलत। हम दोस्तों के साथ समय बिताना पसंद करते हैं? गलत। मेरे माता पिता परिवार के लिए पैसा कमाते हैं? सही। दादाजी परिवार के सबसे बड़े व्यक्ति हैं? सही। हमें अपने परिवार में सहयोग नहीं करना चाहिए? गलत। जहां दादा दादी माता पिता चाचा चाची भाई बहन और चचेरे भाई बहन एक ही छत के नीचे एक साथ रहते हैं उसे संयुक्त परिवार कहा जाता है? बिल्कुल सही। अगला देखिए बच्चों, जीवन कौशल। वायु को शुद्ध करने वाले पौधे। स्वस्थ रहने के लिए स्वच्छ और शुद्ध हवा आवश्यक है, फिर भी हमें सांस लेने के लिए शायद ही कभी स्वच्छ हवा मिलती है। लेकिन ऐसे कुछ पौधे हैं जो हवा से विषाक्त पदार्थों को निकालते हैं, हवा को शुद्ध करके वायु की गुणवत्ता में सुधार करते हैं। ऐसे पौधों को वायु शुद्ध करने वाले पौधे कहा जाता है। उदाहरण के लिए स्नेक प्लांट, स्पाइडर प्लांट, मनी प्लांट, एलोवेरा आदि। हमें इन पौधों को अपने घरों में रखना चाहिए। तो बच्चों, आप सभी को पता होना चाहिए कि वायु को शुद्ध करने वाले प्लांट पौधे कौन कौन से होते हैं। स्नेक प्लांट, स्पाइडर प्लांट, मनी प्लांट, एलोवेरा। ऐसे पौधों को हमें हमारे घर में ज़रूर रखना चाहिए ताकि जिससे वायु जो है हमारी शुद्ध हो और हम शुद्ध सांस ले सकें। तो ये कुछ वायु शुद्ध करने वाले पौधे हैं, एलोवेरा, मनी प्लांट, स्नेक प्लांट, बैम्बू पाम, रोइंग फिग और तुलसी। गतिविधि, पौधों की पहचान करें। तो बच्चों, ये कौन सा प्लांट है, कौन सा पौधा है? ये है हमारा स्नेक प्लांट, ठीक है। ये है हमारी तुलसी और ये है हमारी रोइंग फिग। मैंने आप सभी को यहाँ बता दिए हमारे कौन कौन से ये पौधे हैं। अगला देखिए बच्चों, 23 जून अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। लोगों को जीवन में खेलों के महत्व के बारे में जागरूक करने के लिए हर साल 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। ओलंपिक दिवस एक खेल आयोजन से कहीं अधिक है, ये दुनिया के लिए सक्रिय होने का दिन है। तो देखिए बच्चों, आप सभी ध्यान दीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस जो है 23 जून को मनाया जाता है, ठीक है। कभी हार न मानने वालों को हराना मुश्किल है। नारंगी रंग, नारंगी रंग का कोई भी भोजन जैसे पपीता, खरबूजा, रसना जूस या कोई और पदार्थ खाएं या पिए। खेल, सबसे लंबी उंगली का अनुमान लगाएं, अपने परिवार के साथ खेलें। गतिविधि, अपने दादा दादी माता पिता या से कोई लोक कथा सुने। दैनिक दिनचर्या, निम्नलिखित आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। अपने माता पिता का अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें। अपने दांतों को दिन में दो बार ब्रश करें। प्रतिदिन स्नान करें। खूब पानी पिए और संतुलित आहार लें। अपने चेहरे को छूने से बचें और अपने हाथों को बार बार धोएं। अपना गृह कार्य समय पर पूरा करें। तो इस तरह से बच्चों, आप सभी को अपनी जो वर्कशीट है पर्यावरण अध्ययन की,
उसे हल करना है। तो आप सभी बच्चों मेरे वीडियो को ध्यान से देखिए, समझिए और अपनी वर्कशीट को सॉल्व कीजिए। उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। साथ ही साथ बच्चों आप सभी से मैं बार बार कहना चाहूँगी कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट क्यों नहीं करते हो। आप सभी मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। और बच्चों मेरे चैनल रेणुका क्लासेस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।